शुक्रवार को साल की पहली अमावस्या है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का काफी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान आदि करने से पितृदोष का कुप्रभाव कम हो जाता है। अगर आपके पितर नाराज चल रहे हैं तो इस दिन आप पूजा पाठ करके उन्हें भी मना सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य ने बताया कि इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी को है। हालांकि इसकी शुरुआत 10 जनवरी की संध्या 8:10 से ही हो जाएगी और 11 जनवरी की शाम 5:26 तक अमावस्या की तिथि है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सुबह 5:57 से सुबह 6:21 तक स्नान दान का मुहूर्त है। पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार 11 जनवरी को अमावस्या का तिथि है। उस दिन गंगा स्नान, संगम का स्नान एवं पितरों को जल देना, पितरों को पिंडदान देना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होते हैं, देवता से जल्द पितर लोग प्रसन्न होते हैं, अपने पूर्वजों का कल्याण करते हैं। पौष अमावस्या के दिन दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है, जबकि शाम 5:40 से 6:07 तक गोधूली मुहूर्त है। पौष अमावस्या पर स्नान दान कर पितरों को शांत करने और पितृदोष को समाप्त करने के अलावा भी कई सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पौष अमावस्या पर उपाय करके काल सर्प दोष से भी बचा जा सकता है। दरअसल कहा जाता है कि अगर पौष अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना की जाए और पितरों के आशीर्वाद के लिए पितृदोष और पितृकवच का पाठ करें, इसके अलावा घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य मिलता है और व्रत रखने से कष्ट का नाश होता है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट। अमावस्या के दिन स्नान दान के बाद गरीबों को भोजन कराना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों का हरण होता है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।